हर हर महादेव, जय बाबा बैद्यनाथ। दोस्तों कैसे हो आप सब? हम आपके लिए फिर से लेकर के आए हैं कांवरिया पथ का एक न्यू अपडेट। और देख रहे हैं दोस्तों, होली के बाद वाला भी अपडेट किस प्रकार है। और देख रहे हैं यहाँ पर कांवरिया फिर से नज़र आ रहे हैं कांवरिया पथ पर, और लगातार नज़र आते रहते हैं। तो दोस्तों चलिए आगे वीडियो में दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा। और देख रहे हैं यहाँ पर तो तीन की संख्या में कांवरिया नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे और आपको दिखाते जाएंगे कांवरिया पथ पर, और देखते हैं कितने कांवरिया है। फिलहाल भीड़ तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कांवरिया पथ पर कांवरिया जरूर नज़र आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम बढ़ते जा रहे हैं और चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे हर हर महादेव। दोस्तों वीडियो को एक लाइक करते जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा। देखते जा रहे हैं यहाँ पर फिर से सुनसान है। और दोस्तों कांवरिया पथ की जो स्थिति है, ऐसा ही सुनसान मिलता रहता है और कांवरिया भी इसी तरह मिलते रहते हैं और बाबा धाम देवघर की यात्रा में लगे रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं यहाँ पर आसपास का इलाके में। देख रहे हैं ना कोई दुकान है, ना कोई टेंट वगैरह, कुछ भी नहीं है और बिल्कुल सुनसान है। और देख रहे हैं दोनों बगल अभी भी खेतों में हरियाली है और कांवरिया पथ सुनसान है इस जगह पर। और चलते हैं आगे देखेंगे, और लग रहा है बहुत दूर में कोई कांवरिया आ रहे हैं। तो चलते हैं देखेंगे वहां पर आते हैं या नहीं। शायद लोकल लोग भी इसी रास्ते से जाते आते रहते हैं, तो ये भी कन्फ्यूजन लगा रहता है। तो देख रहे हैं दोस्तों फिलहाल तो कांवरिया ही नज़र आ रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। दोस्तों हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पर भी देखिए कांवरिया नज़र आ रहे हैं और लगातार देवघर की यात्रा में चलते रहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों होलिका दहन इस गाँव वालों का यहीं पर हो गया था कांवरिया पथ पर। और दोस्तों खुला जगह उन लोगों के लिए यहीं पर मिला, तो उन्होंने कांवरिया पथ पर ही होलिका दहन कर दिए। इनको दोस्तों साइड में कर लेना था। और आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम दोस्तों यहां पर आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण इलाका वाला जगह। और यहां ग्रामीण इलाके वाले जगह में देखिए किस प्रकार है, सुनसान है। सिर्फ घर वाले और गांव वाले ही यहां पर नज़र आते हैं। और आगे बढ़ते जाएंगे और आगे आपको दिखाते जाएंगे। और यहाँ पर देखे दोनों साइड जो रास्ता है दोस्तों, पहले साइड वाला ही कांवरिया पथ हुआ करता था, अभी दोस्तों इसको सीधा कर दिया है। सुल्तानगंज से देवघर की यात्रा में कांवरिया पथ की जो है दूरी दोस्तों लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी को कम कर दिया गया है। पहले 10 से 12 किलोमीटर ज़्यादा कांवरियों को चलना पड़ता था, अब जगह जगह पर रास्तों को सीधा कर दिया गया है ताकि और भी कम रास्ता बने देवघर जाने तक में। और आगे यहाँ पर अब हम दोस्तों बढ़ जाएंगे आगे यहाँ के ग्रामीण इलाकों से, और आगे देखेंगे क्या कुछ मिलते हैं या नहीं कांवरिया। फिलहाल यहाँ पर भी कोई सुविधा नहीं है, तो चलते जाते हैं और आगे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों लगातार बने रहिए और अंत में देखेंगे अंत तक किस प्रकार का अपडेट मिलता है कांवरिया पथ पर। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों आज की डेट में भी होली के एक दिन बाद वाला भी देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार दिख रहे हैं ग्रामीण लोग, अभी भी होली मना रहे हैं। और दोस्तों लगातार एक दो दिन तक होली मनाया जाएगा यहाँ के ग्रामीण इलाकों में, जैसा कि देखने को मिल रहा है माहौल। और कांवरिया पथ पर ही जा रहे हैं होली मना करके, क्योंकि ये लोग यहाँ के ही लोकल ग्रामीण लोग हैं। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे और बढ़ते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे कांवरिया पथ पर और भी कांवरिया नज़र आते हैं या नहीं। सामने तो फिर से एक बार दिखाई दिए हैं दोस्तों हर हर महादेव। और देखिए दोस्तों लाइक करते जाइएगा, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते जा रहा हूं। तो दोस्तों एक अपने भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं दोस्तों कांवरिया नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा, यहाँ से आगे शिवलोक का इलाका पड़ता है और ये तिलवरिया जमुई कांवरिया सेवा के पास और शिवलोक के आसपास का इलाका कहलाता है यहाँ पर। दोस्तों हर हर महादेव, इस वीडियो में यहाँ तक का अपडेट आप तक पहुँचा पाया हूँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम आप सभी को अगले अपडेट के साथ।
आज की वीडियो में बस इतना ही। हर हर महादेव सभी भक्तों को।